हेलो गाइस, दिस इज फ्रॉम tipsntricksguru.com। GST के तहत पेनल्टी के प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर आपने उन पेनल्टी से ऑफेंसेस से बचना है तो आपको इन 21 महत्वपूर्ण पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। ये सेक्शन 122 में रिफाइन किया हुआ है इन GST एक्ट, जहां पर ये बताया गया है कौन कौन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ पेनल्टी। यहाँ पर ऑफेंस के लिए 3 कैटेगरी, टैक्सेबल पर्सन के लिए 21 तरह की बातें हैं जो उसे ध्यान में रखनी है। अगर वो इनको फॉलो नहीं करता है तो उसको मिनिमम ₹10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रोविजन में लिखा हुआ है जितने टैक्स की चोरी करी उतना और 10,000, विच एवर इज हायर। सो मिनिमम 10,000 का जुर्माना तो है ही, उसके अलावा आपको अगर आपका टैक्स की चोरी ज्यादा की है तो आपको टैक्स की वैल्यू के जितना जुर्माना देना होगा। अगर कोई पर्सन टैक्सेबल पर्सन नहीं है बट रजिस्टर्ड है, वो गुड्स सप्लाई करता है या सर्विस सप्लाई करता है, तो उसके लिए 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर वो 4 गलतियां उसने इंटेंशनली की हैं तो उस पर जो जुर्माना लगेगा वो सेम एज टैक्सेबल पर्सन लगेगा, जिसमें वो ₹10,000 मिनिमम अमाउंट और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, जितने से टैक्स चोरी करी है इन दोनों में ज़्यादा है उसका जुर्माना देना होगा उसको। अगर इंटेंशनली नहीं है, बाय मिस्टेक हुआ है या विलफुल नहीं है, तो वो 10% ऑफ टैक्स अमाउंट इवेडेड में 10% जितने का आपने अमाउंट चोरी करी है उसका, या फिर मिनिमम ₹10,000। दैट मीन्स इन दीज टू फर्स्ट केसेस देर इज ए पेनल्टी ऑफ ₹10,000 मिनिमम। और थर्ड पर्सन है, एनी पर्सन, टैक्सेबल है, रजिस्टर्ड है, नहीं है, कोई भी पर्सन है, उसको 5% ध्यान रख रहा होगा। अगर वो उनका ध्यान नहीं रखता है तो उसका जुर्माना 25,000 तक जा सकता है। ये जो 21 कैटेगरी के ऑफेंसेज हैं वो टैक्सेबल पर्सन, जो 21 बातें ध्यान रखनी है टैक्सेबल पर्सन को, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 11 बातें जो रेगुलर बिजनेस में चलती हैं, मतलब रूटीन टाइप ऑफ एक्टिविटी हैं, और 10 बातें जो रूटीन नहीं है, मतलब इंटेंशनली और फ्रॉड के थ्रू करने की कोशिश की गई है। तो सामान्य व्यापार के दौरान 11 गलतियां, उसमें पहली गलती है अगर आपने जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे थे GST के अंदर, आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दी उसके अंदर, अगर आप उसमें कोई गलत पाई जाती है तो उसमें आपको पेनल्टी लग सकती है। ये आपकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है एज पर लॉ, बट आपने नहीं लिया है तो आपको ये पेनल्टी लग सकती है। आपने सप्लाई कर दिया विदाउट इनवॉइस या विद रॉन्ग इनवॉइस तो आप पे पेनल्टी लेवी हो सकती है। आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया, गुड सर्विस सप्लाई कर दिए तो भी आप पर ये पेनल्टी लग सकती है। आपने टैक्स कलेक्ट किया बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया विद इन 3 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट, जैसे आपको जब भी टैक्स ड्यू होता है फॉर पेमेंट, विद इन 3 मंथ अगर आपने पे नहीं किया है कलेक्ट करने के बाद, तो भी आपको पेनल्टी देनी होगी। आपने GST कंट्रावीन करते हुए टैक्स कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद भी आपने वो टैक्स पे नहीं किया है गवर्नमेंट को विद इन 3 मंथ फ्रॉम ड्यू, तो भी पेनल्टी चार्ज होगी। आपने इनपुट टैक्स को ले लिया है बट आपको अभी तक माल नहीं मिला है, मैं फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं इस केस में, टैक्स तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, मीन्स आपको पेनल्टी लगेगी साथ में। अगर आपने टैक्सेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया है बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के तो आपको पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने इनवॉइस इशू किया है किसी और टैक्सेबल पर्सन के नंबर पे तो भी आपको ये पेनल्टी लगेगी। अगर आपने डेलिब्रेटली, मतलब जानबूझ के अपनी सेल्स को कम करने की कोशिश करी है टू इवेड टैक्स, तो भी आपको ये पेनल्टी लग सकती है। और अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली जो लॉ में रिक्वायर्ड है, तो भी आपको ये पेनल्टी लग सकती है। आउट ऑफ 21 मतलब आपने धोखाधड़ी से रिफंड लिया है गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करके, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है बाय वॉयलेशन ऑफ रूल्स, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने फेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या आपने गलत रिटर्न फाइल की है टू इवेड टैक्स, तो भी आपको ये पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने किसी भी ऑफिसर को रोका है ड्यूरिंग हिज ड्यूटीज, आपने ऑब्स्टेकल्स पैदा किए हैं उसके सामने, उसको उसका काम करने नहीं दिया है, तो भी आपको पेनल्टी लग सकती है। आपने गलत जानकारी दिया, अगर आपकी प्रोसीडिंग्स के थ्रू इफ प्रोफेसर आस्क यू कि सबमिट सम इन्फॉर्मेशन और आपने वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी है, तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। अगर आपको पता था कि भाई ये गुड्स हैं इनमें कुछ ना कुछ गलती है, या ये गुड्स ऐसे हैं जो सील हो सकते हैं या जब्त हो सकते हैं, तो आपको इस पे पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने कोई भी एविडेंस टेम्पर किया है या डिस्ट्रॉय किया है, तो आप पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने कोई भी डिस्ट्रॉय टेम्पर गुड्स सीज्ड, जो चीज है उनको गुड्स को डिस्ट्रॉय किया है, टेम्पर किया है, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया या कम डिडक्ट किया, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने TCS कलेक्ट कम किया और कलेक्ट नहीं किया है कम किया, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। ये सारी पेनल्टी थी
फॉर टैक्सेबल पर्सन, जो पर्सन टैक्सेबल है उस पर्सन के लिए जो पेनल्टी है प्रोविजन्स हैं 10,000 और जितने उसने चोरी किए टैक्स की वो वैल्यू विच एवरेज हायर वुड बी कैलकुलेटेड एज पेनल्टी। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो गुड सप्लाई कर रहा है मीन्स वो टैक्सेबल है या नहीं, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। इफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड वो गुड सप्लाई कर रहा है तो उसको इन चार चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये चार टाइप मिस्टेक हैं जो जीएसटी लॉ के अंदर एज ए ऑफेंस काउंट हो सकती हैं। अगर उसने जीएसटी पे नहीं किया मीन्स उसने गुड सप्लाई की उसमें जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी, ही इज कलेक्टेड जीएसटी बट नॉट पेड, और उसने जीएसटी कम पे किया जितना था उससे कम पे किया, या उसने मीन्स एरोनियसली रिफंड ले लिया है मीन्स उसने रिफंड क्लेम किया डिपार्टमेंट से जो उसको मिल गया है वो भी एक तरह का आपका ऑफेंस काउंट होगा, और अगर उसने रॉन्ग आईटीसी अवेल्ड किया यूटिलाइज किया तो ये भी उसके एंड पे उसकी गलती काउंट होगी। और अगर ये गलती फॉर रजिस्टर्ड पर्सन ये गलती विलफुल है इंटेंशनल है तो इस केस में जो पेनल्टी है वो 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवरेज हायर वुड बी द पेनल्टी। और अगर ये जो चीजें हैं जो चार टाइप की मिस्टेक्स हैं अगर ये विलफुल नहीं है मीन्स गलती से हो गई है तो पेनल्टी है 10% ऑफ टैक्स इवेडेड और 10,000 विच एवरेज हायर, मीन मिनिमम 10,000 की पेनल्टी तो है ही है उससे ऊपर डिपेंड ऑन सिचुएशन बेसिकली। एंड लास्ट पर्सन अंडर सेक्शन 122 इज एनी पर्सन। एनी पर्सन मीन्स एनी पर्सन वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट, इज टैक्सेबल पर्सन और नॉट, एनी पर्सन इफ ही हैज डन दिस फाइव टाइप ऑफ मिस्टेक्स देन ही विल बी पेनलाइज अंडर जीएसटी लॉ। फर्स्ट पहली गलती है अगर उसने सहायता की, जो पहले 21 ऑफेंस थे 21 गलतियां थी किसी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, अगर इस किसी बंदे ने उनको 21 ऑफेंस करने में इनकी सहायता की तो ही इज ऑल्सो लायबल फॉर द पेनल्टी। अगर उसने कोई भी ऐसे गुड्स अपने पास एक्वायर किए या सप्लाई किए इन एनी वे विच आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन मीन्स जो गुड्स जब्त होने के लायक थे या जब्त होने के लिए लायबल थे उनको रखा अपने पास रखा या सप्लाई किया तो ये उसको पेनल्टी लग सकती है। उसने कोई भी सर्विस ली जिस जो जीएसटी लॉ के अंदर इज ए कंट्रावेंशन तो उसको पेनल्टी लग सकती है। अगर उसको प्रॉपर ऑफिसर कॉल करता है बाई समवन और वो अपीयर नहीं होता है तो भी उसको ये पेनल्टी लगेगी। अगर वो इस लॉ के हिसाब से इन्वॉइस इशू नहीं कर पाता है या इन्वॉइस को अकाउंट फोन नहीं कर पाता है तो भी उसको ये पेनल्टी लगेगी। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टिप्स एंड ट्रिक गुरु।